पृथ्वी में बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, खाने पीने के जो वस्तुएं या जो पेड़ पौधे उगते हैं उन पे खतरा हो जाएगा, नई नई तरह की बीमारियां आएंगी, और इसके कारण क्या होता है कि लोगों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होगा, हेल्थ के इशू भी आएंगे। जो आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे पे, मतलब जो स्कूल जाता हुआ बच्चा बेहोश हो जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, उसको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है पर उसकी कमजोरी आ जा रही थी, ये हो रहा है इस एक्चुअली रेडिएशन के कारण हो रहा है। okay. ये चुंबकीय क्षेत्र के कमजोरी कारण वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, और ये उसमें फिर आने वाले समय में ये बढ़ेगा बढ़ेगा। प्लस जीव जंतु भी इसमें उनका असर देखने में आ रहा है कि जीव जंतु में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ कि कुछ 100 व्हेल आकर के एक तटीय क्षेत्र में आ गई, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ जीव जंतु का दिमाग नहीं काम कर रहा, वो शहरों की तरफ आएंगे, ये भी भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। तो हम भी जीव जंतु हैं, हम सिविलाइज जीव जंतु हैं, तो अब हमारे में भी असर आएगी, हमारे में भी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो अभी कहने का मतलब है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, प्लस हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो चल रही है, हार्ट बीट है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो जो थोड़ी सी कमजोर शरीर वाले हैं उन पर पहले होगा, बाद में, और जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि उसमें मानसिक और शारीरिक प्लस, अब जब चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि अपनी सौर जो सूर्य की जो एक साइकिल होती है वो 11 साल की साइकिल होती है, 11 ईयर्स ग्यारह साल की साइकिल में अभी सूर्य ऊपर वाली साइकिल, मतलब जो सूर्य की गर्मी बढ़ती है और गिरती है दोनों साइकिल होती है, तो अभी तेज वाली साइकिल में हम हैं, और 2025 में जाके ये उत्कृष्ट में रहेगी, सबसे टॉप में रहेगी। तो 2025 में उत्कृष्ट में रहेगी, और इधर हमारी चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथ से हाथ में बस 18 महीने हैं, 18 महीने शुरुआत शुरुआत, क्योंकि जो भविष्य मलिका को माने मीन शनि 2.5 साल का रहेगा, तो 25 से लेकर के 27.5 तक रहेगा, 29 मार्च 2025 से लेकर 2.5 साल तक मीन शनि, तो और जोड़ ले तो तीन चार साल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और कमजोर होगा, और सूर्य अपना तेज पे रहेगा, तो उस समय जब कमजोर पृथ्वी रहेगी और सूरज की अगर बार बार जो सोलर स्टॉर्म कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, वही आपसे पूछने वाला, उसके कारण क्या होगा कि पृथ्वी बोलते हैं कि धीरे धीरे मूव करते करते उसका जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण दोनों मूव कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव मूव करते करते साइबेरिया की तरफ जा रहा है। अब वो साइबेरिया की तरफ जैसे जैसे झुक रही पृथ्वी, तो बोलते हैं कि पृथ्वी पूरी घूम जाएगी, इसमें क्या होगा कि ध्रुव चेंज बदल जाएगा पृथ्वी का, तो ये कई हजारों साल में होता है, और ये हमने कभी पढ़ा नहीं साइंस में, और ये अगर आप जाके गूगल में रिसर्च करोगे कि बोलेंगे कई बार हो चुका है, कितनी बार, 100 बार हो चुका है, बहुत लाखों साल के अंदर। तो अब कहने का मतलब, बट इसके डॉक्यूमेंटेशन है क्या? है, इसके जो जमीन के जो प्लेट, जो मिट्टी के सतह से साइंटिस्ट लोग इसका अनुमान लगाते हैं कि किस पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई थी, किस समय क्या हुआ था, किस समय बहुत बड़ा समुद्र का तूफान आया था, किस समय क्या हुआ था, जनहानि हुई थी, वो सब वो सॉयल रिसर्च से पता चलता हूँ। तो वो सॉयल रिसर्च बता रहा है कि कई बार हो चुका है ऐसा, कई बार, प्लस कार्बन डेटिंग से भी वो लोग पता करते हैं, तो वो बहुत तरह की चीजें हैं साइंटिफिक, वो आप रिसर्च करोगे, आप रिसर्च में इंटरेस्ट होगा तो आपको सब चीज डाटा मिल जाएगा गूगल में। तो अब ये जो साधारण भाषा में समझा रहे हैं कि बहुत बड़ी वैज्ञानिक जो कि अभी अपनी सरकारें नहीं बताएंगी, सब सरकारों को मालूम है कि क्या होने वाला है, पर साधारण पब्लिक में, साधारण जनता में ये चीजें आती नहीं है, आप अपना प्राइवेटली रिसर्च करेंगे खुद से, आपको पता चल जाएगी सब चीज है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने सारी चीजों को जोड़ करके जब देखेंगे कि साउथ अटलांटिक जो दक्षिण ध्रुव में जो खुलापन है उसके कारण सारे मौसमी बदलाव और जो झमेले आ रहे हैं, प्लस जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है, तरह तरह की अपने इकोसिस्टम में चीजें ये हो रही है, तो अब सवाल पैदा होता है कि जब ये भी वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, विज्ञान बोल रहा है, और इधर भविष्य मलिका जो वैज्ञानिक नहीं थे ऋषि मुनि, उन्होंने वैज्ञानिक चीज बोली है, तो आश्चर्य लगता है कि वो वैज्ञानिक चीज वो कैसे बोलेंगे सूरज कमजोर हो जाएगा, वो कैसे बोलेंगे कि पृथ्वी पलट जाएगी, पश्चिम से सूरज अस्त होगा और फिर पश्चिम से ही अगले दिन उदय होगा। अच्छा, एक बात बोलिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक्चुअली मैं ऐसा है कि ओडिशा के जो महान संत हैं अच्युतानंद दास जी ने, वो तो 500-600 साल पहले ये सब लिखे थे, और जो मालिका के जो अंक हैं, जो मालिका के जो गणित हैं, वो ऐसे बोल रहा है कि ये जो आप जो बोल रहे हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स, ये 2025 से और सक्रिय होगा, सक्रिय, वही वही, और जो साइंटिफिक रिसर्च है
वो भी लगभग वैज्ञानिक वही कह रहा है, बोल रहे हैं आप। आज मैं तो जो वैज्ञानिक का एक वैज्ञानिक जो बहुत ही फेमस है, जो उनकी चैनल चलती है सस्पिशियस ऑब्जर्वर, ये अंग्रेजी का एक यूट्यूब में आप खोजिएगा सस्पिशियस ऑब्जर्वर बोल के एक चैनल है, उसमें वो डेली सूरज के बारे में रिपोर्ट देते हैं। और उनके बारे में जब नीचे में कमेंट्स आप पढ़िएगा, उस पर रिसर्च कीजिएगा, 10-15 दिन एक महीना उनकी बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस हैं, उसमें आपको पता चलेगा सारे डाटाज हैं, लोग वहाँ पे कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो भविष्य मलिका के बारे में कुछ नहीं जानते और जो भविष्य मलिका बोल रहा है वही सेम चीज वो लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज एकदम डिटो। उनके कमेंट्स आप पढ़िएगा, उनके कमेंट्स पढ़िएगा लोगों के, वो लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या वो सोच है, सब चीज मिल रही है। तो ये दोनों चीज जब एक चीज मिल रही है तो आप भविष्य मलिका को कैसे नकार सकते हैं, भविष्य मलिका को आप कैसे अविश्वास कर सकते हैं? तो क्या इसके वजह, इसके पीछे यही वजह है जिसको मतलब आपको इसके कारण मजबूर कर दिया? इसके कारण मेरा थोड़ा इस पे विश्वास आया कि भाई एक तो ठाकुर जी ने लिखाया, जगन्नाथ जी ने खुद लिखवाया है, और मैंने सुना है कई जो आप लोगों के चैनल में देख के कि वो लिखना नहीं चाहते थे, ये जो विनाश की चीजें वो लिखना नहीं चाहते थे, अच्युतानंद स्वामी जी लिखना नहीं चाहते थे, पर वो रोते हुए लिख रहे हैं कि ठाकुर मुझे क्यों लिखवा रहे हैं, पर ठाकुर बोले नहीं लिखो, मैं अपने भक्तों को सचेत करना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे कि सचेत का मतलब क्या है, वो डराना नहीं चाहते कभी भी। अच्छा तो इसके बारे में तो हम जानेंगे। एक्चुअली एक सवाल है, जैसे कि भविष्य मालिका में ये लिखा गया है, बहुत सारे पवित्र ग्रंथ और जो पोथियाँ हैं इसमें ये प्रमाण मिलता है कि अगर मैं गणित की मालिका के जो गणित है, जो अंक हैं उसके अगर मैं बात करूँ, सीधा सीधा वो एक जो आंकड़ा देते हैं वो पहुँचता है 2025 के आसपास। वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सोलर स्ट्रम आने वाला है, भविष्य मालिका कह रहा है। सही, आपका रिसर्च क्या कह रहा है इसके बारे में? देखिए मैंने कहा ना कि जो सोलर साइकिल है, हाँ, उसका जो 2019-20 से अपर की तरफ चालू हुआ है और 2025 में वो सबसे टॉप पे पहुंचेगा। जी बिल्कुल। तो और अभी से जो अभी अपने 2023 में है पर उसके लक्षण 2024 के आ रहे हैं, माने जो डाटा आ रहे हैं वो 2024 के आ रहे हैं। जी। मतलब 2024 में जो तेज आएगा वो अभी से 2023 में लग रहा है, तो 2025 में आप सोच लीजिए क्या होगा। और प्लस पिछले जो सोलर साइकिल से अभी जो सोलर साइकिल का तेज है ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है, प्लस एक तो ज्यादा है और इधर हमारी पृथ्वी कमजोर होती जा रही है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जा रहा है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र कमजोर रहेगा और सूरज का ताप उसमें सोलर स्टॉर्म आएगा तो कमजोर पे पड़ेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही चाहिए। हाँ। ये बहुत बड़ी बात अपने कर रहे हैं, छोटे मुंह बड़ी बात। तो पर जब स्वामी जी प्रभु जगन्नाथ लिखवा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लिखो मेरे भगत लोगों को वार्निंग दो, तो मेरा कहने का मतलब वो डराएंगे किस लिए, वो वार्निंग किस लिए देंगे, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल है, बस मैं ये जानना चाहूंगा कि जो दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में सोलर स्ट्रम है क्या, अगर ये सोलर स्ट्रम ये एक्चुअली में क्या है वह बताइए, और सोलर स्ट्रम का क्या क्या इफेक्ट रहेगा वो भी आपसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे। सोलर स्ट्रम क्या होता है कि अपने सूरज के अंदर कई तरह के स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स बोलते हैं उसको, सूरज के स्पॉट्स, वो काले काले धब्बे होते हैं, वहाँ से लगभग एक एक पृथ्वी की जितने बड़े बड़े धब्बे होते हैं, वो गड्ढे होते हैं, वो ब्लैक डॉट्स की तरह आप नजर आएंगे, और वो सूरज ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब घूमते घूमते क्या होता है, हर 8-10 दिन 15 दिन में वो स्पॉट्स भी घूमते घूमते पृथ्वी जैसे घूम रही है, तो वो जब स्पॉट्स से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, फ्लेयर्स मतलब सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, अगर पृथ्वी के सीध में आ गए, सीधा में आ गए, पृथ्वी उधर ही है, तब वो पृथ्वी पे ज़्यादा अटैक करते हैं। अगर वो समझ लीजिए पृथ्वी इधर है और वो सोलर का स्पॉट्स इधर है ऊपर में, वो इधर से ऐसे निकल गया पृथ्वी की तरफ नहीं, तो उसमें हल्का अटैक होता है। तो अब क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा अटैक क्या होगा, जब सोलर स्टॉर्म सीधा पृथ्वी की तरफ आते हैं तब खतरा ज़्यादा रहता है, पहला बात। और वहाँ से जब सोलर स्टॉर्म छूटते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, जब उसके अंदर बहुत तरह के मतलब एक तरह का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, बहुत तरह के हार्मफुल रेज आते हैं, तो वो एक तूफान आता है, वो तूफान लगभग उसकी स्पीड 2-3 दिन में पहुंचती है पृथ्वी तक। अब वो जो स्टॉर्म पहुंचती है तो अपना चुंबकीय क्षेत्र उसको ऊपर नीचे से निकाल देता है, पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता, अब वो कमजोर हो गया, प्रोटेक्ट करता है। अब वो कमजोर हो जाने से जो सोलर स्टॉर्म, तो पृथ्वी के ऊपर में लीकेज होगा तो हार्मफुल रेडिएशन आएंगे, तो इसके कारण क्या होगा कि जो अपना पृथ्वी का टेम्परेचर अंदाज समझ लीजिए मैक्सिमम 50 डिग्री तक जाता है, करीब करीब,
वो और हाई हो जाएगा उसमें। और हाई मतलब कितना? जब लीकेज होगा तो 2-3 गुना भी हो सकता है वो, 2-3 गुना कुछ घंटों के लिए, जितने घंटे लीकेज रहेगा उतना। तो यही है, मैं इसमें कुछ घंटों के लिए अगर 2-3 गुना हो जाएगा उस तरफ ही मचा देगा। उस समय बोलते हैं कि जंगलों में आग लग सकती है, और इसके कारण क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जब कमजोर है और ये अपने को सूरज की जो किरणें आ रही हैं बहुत खतरनाक पृथ्वी की तरफ होके आएंगी, तो वो लीकेज होकर जब अंदर घुसेंगे तो उससे अचानक टेम्परेचर उस समय बढ़ जाएगा, इससे जंगलों में आग लगेगी, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं वो सारे जल जाएंगे। ऐसा सोलर स्ट्रॉम, एक बड़ा सोलर स्ट्रॉम 1859 में आया था। मैं वही बात पूछने वाला था, ये कभी आया है क्या? नहीं, उसके बाद बहुत सारे सोलर स्ट्रॉम आए, उतना बड़ा सोलर स्ट्रॉम पावरफुल नहीं हुआ था। पावरफुल आप देखो 1859 की बात करें, उस समय हुआ क्या था? 1859 का सोलर स्ट्रॉम को कैरिंगटन इवेंट बोलते हैं, सी कैरिंगटन इवेंट। हाँ, इसको कैरिंगटन इवेंट आप जब गूगल में देखोगे आपको मिल जाएगा। इस समय क्या हुआ था कि अपने वैज्ञानिक तौर पे इलेक्ट्रिकल इतने अपने माने डेवलप नहीं थे अपने, तो अब उस समय क्या हुआ कि जब सोलर स्ट्रॉम आया था तब हमारे टेलीग्राम की लाइनें चलती थी, जो कम्युनिकेशन में पोस्ट ऑफिस में चलती उस टाइप की, उसके तार जो जाते थे वो मिट्टी के 8-10 फुट नीचे से जाते थे, 8-10 फुट नीचे जाते थे, वो तार जल गए थे। अच्छा, सोलर स्ट्रॉम जो उस समय जो हुआ था, 8-10 फीट नीचे जो तार वो जल गए, निष्क्रिय हो गए। और बहुत रोचक चीज ये है कि वो जो कम्युनिकेशन कर रहे थे वो तार जलने के बावजूद और ऑफ होने के माने शॉर्ट हो गए थे, तार उड़ गए थे, उसके बावजूद कम्युनिकेशन चल रहा था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही थी, कैसे उसके मतलब वो चार्ज हो रखी थी कि वो मैसेज जा रहे थे कई घंटों तक। ओके, आप पढ़िएगा। प्लस जो मजदूर जो कोल माइंस में या माइनिंग में काम करते हैं, अचानक वो रात को देखे कि रोशनी आ गई तो उनको लगा कि सूरज उगने वाला है। अच्छा, तो वो काम के लिए वापस निकल पड़े। अच्छा, ये जब हुआ वो रात के टाइम हुआ था, राइट? रात के टाइम पे हुआ। अच्छा, था ये जब कुछ घंटों के लिए हुआ तो उनको लगा कि रोशनी आ गई, सुबह होने वाली है, वो अच्छा वो काम में निकल गए। तो इतनी खतरनाक थी, और वो उस समय अगर अपने आज की जमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब कुछ लोगों की मौत भी हुई थी क्या भाई? सुनते हैं कि कई लोगों की मौत हुई थी, पर मेन चक्कर क्या है कि अभी हम लोग जो इंटरनेट पे इतना ये हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स चारों तरफ फैल गई, उस समय वैज्ञानिक कहते हैं कि वैसा आज की टाइम पे अगर उतना परिमाण का भी अगर सौर तूफान आ गया तो अपने 20-30 साल तो इलेक्ट्रॉनिकली पीछे चले जाएंगे। पर उस समय क्या था कि 1859 में हमारे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर नहीं था, और इसी कारण हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी काफी कम था, तो दोनों चीज कारण अपने सर्वाइव कर गए। अगर उसने अभी अगर हुआ तो सर्वाइवल अभी तो चुंबकीय क्षेत्र 30% कमजोर हो चुका, उस समय कोई 2-4% कमजोर था 1859 में। 18 तो अभी जो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक में इतनी डेवलपमेंट हो गई है, चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो सैटेलाइट सारे निष्क्रिय हो जाएंगे जी। अब अगर उस तो अब वैज्ञानिक लोगों का कहना मतलब इसका मतलब यह है कि अभी जो सोलर स्ट्रॉम आने वाला है बिल्कुल तबाही मचाएगा। प्लस क्या होगा कि हम उन्नत हो चुके हैं, हम वापस पीछे भी जा सकते हैं, प्लस हमारी चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो चुका है। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि अभी का जो सोलर स्ट्रॉम आएगा उससे बहुत ज्यादा आएगा, 1859 से पावरफुल आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि भविष्य मालिका में जो लिखा गया है, भविष्य मालिका में लिखा गया है कि आने वाले समय में ऐसा भी समय आएगा वैज्ञानिक यंत्र काम करना बंद कर देगा, सैटेलाइट कनेक्शन कटेगा, तो और पावर स्टेशन काम करना बंद कर देगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, इंटरनेट कनेक्शन कटेगा, और मोबाइल हाथों का खिलौना बनकर रह जाएगा। और तो ये सब एक्चुअली में संभव हो, मतलब ये होगा? ये यही मैं बोल रहा हूँ कि सारी की सारी चीजें वो वैज्ञानिक आप साइट पे जब जाओगे सस्पिशियस ऑब्जर्व, वो सेम चीज बोल रहा है कि ऐसा आएगा समय एटीएम काम नहीं करेगा, आपका मोटर काम नहीं करेगा, पानी नहीं भर पाओगे, हाँ आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं, सारा का सारा डिट्टो बोल रहा है, जैसे कि अच्युतानंद जी बोल रहे हैं।